महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई। अब उनकी मर्जी से वहां पत्ते भी हिलेंगे। ठाकरे के निशाने पर पहले ही बिहार और यूपी के लोग रहे हैं और अब ठाकरे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे महाराष्ट्र से बाहर के लोगों को भागना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार जल्द ही विधानसभा में एक बड़ा बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश की नवगठित उद्धव सरकार के एक बड़े फैसले का ऐलान किया। कोश्यारी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि महाराष्ट्र की सरकार प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी। मतलब साफ है, अब महाराष्ट्र में नौकरी वहां के स्थानीय लोगों को ही मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार की पहली बैठक के बाद जारी एजेंडे में भी इस आरक्षण नीति का जिक्र किया था। इनमें सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने के लिए खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया को शुरू करना, शिक्षित युवाओं के लिए फेलोशिप की योजना बनाना और स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80% आरक्षण देने के लिए कानून बनाने की बात कही गई थी। मतलब साफ है कि बहुत जल्द अब यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से भागने की तैयारी करनी होगी। पहले भी शिव सैनिक कई बार बाहर के लोगों पर गुंडागर्दी करते रहे हैं और अब जब सरकार तो शिवसेना की है तो गुंडागर्दी खुलकर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।